नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 3 इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप्स, जो कि NBFC के एप्लीकेशन है, मतलब NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन हैं। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो बनाया है स्टूडेंट, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड। स्टूडेंट्स की बात करूँ, जो कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, 18+ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, और कम सिविल स्कोर पर भी आपको तत्काल लोन प्राप्त हो सकता है। ये एक न्यू अपडेट है नवंबर 2023 की, बहुत ही आसानी से आपको लोन प्राप्त हो सकता है इन सभी लोन एप्लीकेशन से, ठीक है। तो एप्लीकेशंस के नाम बताऊं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है थोड़ी सी तकलीफ करके उसको प्रेस कर दीजिए, ठीक है, और उसके बगल में एक बेल आइकन होता है, वहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन की बेल पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि तीनों ही एप्लीकेशन बहुत ही आसानी से लोन प्रोवाइड कराते हैं, और हाँ, ये जेन्यून एप्लीकेशन है, ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। तो तीनों ही एप्लीकेशन में से किसी भी एप्लीकेशन से अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस इन एप्लीकेशंस की कुछ डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा, कुछ डिटेल्स आप खुद भी लोन एग्रीमेंट लेटर, सेंसर लेटर, अबाउट दिस ऐप के सेक्शन वगैरह में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लोन अप्लाई अगर आप करें तो उससे पहले टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सेंसर लेटर, अबाउट दिस ऐप का सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तभी लोन अप्लाई कीजिएगा। प्ले स्टोर में कुछ फर्जी लोन एप्लीकेशन भी हो सकते हैं, तो ऐसी लोन एप्लीकेशन से आपको बचकर रहना है। आपको हमेशा NBFC या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से ही लोन अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1 पर जिस एप्लीकेशन को मैंने रखा है, इसका नाम है जैप मनी पर्सनल लोन ऐप। जैप मनी की बात करूँ, ये सैलरीड और स्टूडेंट के लिए वर्क करती है एप्लीकेशन। 1000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का आपको लोन यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। 18 से लेकर 36% पर एनम इनका इंटरेस्ट रेट रेंज है। अगर बात करूँ टेन्योर की, तो 3 से 12 महीने तक का यहाँ पर आपको टेन्योर प्राप्त हो सकता है। सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड से स्टूडेंट्स के लिए लोन प्राप्त हो सकता है, लेकिन वहाँ पर स्टूडेंट आईडी कार्ड आपसे लिया जा सकता है, ठीक है, यानी कॉलेज आईडी कार्ड आपसे लिया जा सकता है, और इंटरनेट बैंकिंग होना जरूरी है। अगर आप सैलरीड हैं तो यहाँ पर आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, लेटेस्ट पे स्लिप आपसे ली जाएगी, और इंटरनेट बैंकिंग तब भी यहाँ पर अनिवार्य है, ठीक है। तो इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए, चाहे आप सैलरीड हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो सॉरी स्टूडेंट हैं, ठीक है। चलिए, अगली जो ऐप है इसका नाम है लोन फ्रेंड पर्सनल लोन ऐप, जो कि है सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए वर्क करती है। 1500 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड कराती है एप्लीकेशन। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो 15.95% से 35.95% पर एनम जो है इनका इंटरेस्ट रेट रेंज है, और 3 महीने से लेकर 24 महीने तक का यहाँ पर आपको टेन्योर मिल सकता है। सिंपली आधार कार्ड, पैन कार्ड से आपको लोन प्राप्त हो सकता है। तो लोन फ्रंट मेरी खुद की फेवरेट एप्लीकेशन है, मैं बहुत बार यहाँ से लोन अप्लाई करता हूँ, बहुत बार मुझे यहाँ से लोन प्राप्त भी होता है, ठीक है। दोस्तों, अगली एप्लीकेशन जो कि एकदम लास्ट एप्लीकेशन है टॉप 3 एप्लीकेशंस में, तो इसका नाम है क्लिकफिन वन क्लिक अवे। ये सैलरीड के लिए वर्क करती है। अगर आपकी सैलरी 20,000 पर मंथ है, अगर आपका सिविल स्कोर 625 से अधिक है, यानी कम सिविल स्कोर है, मतलब 625 से अधिक होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से लोन प्राप्त हो सकता है। क्लिकफिन की बात करूँ, शॉर्ट टर्म लोन यहाँ पर 20,000 रुपये से लेकर 15,00,000 रुपये तक का आपको प्राप्त हो सकता है। जी हाँ, 15,00,000 रुपये तक का आपको प्राप्त हो सकता है। 18 से लेकर 32% पर एनम इनका इंटरेस्ट रेट रेंज है। सिविल स्कोर जैसे कि मैंने आपको बताया 625 से अधिक होना चाहिए। 6 महीने से लेकर 60 महीने तक का आपको टेन्योर मिल सकता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट आपसे यहाँ पर लिया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपका कम सिविल स्कोर है, लास्ट 6 मंथ टू 1 ईयर आपने कोई भी लोन डिफॉल्ट ना किया हो, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी, और तीनों ही एप्लीकेशन जो है फिलहाल अभी वर्क कर रहे हैं, लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। एक और आपसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ट्रू बैलेंस का, नाबी का, पॉकेटली का, तो आप मेरे लिंक से ट्रू बैलेंस, नाबी या पॉकेटली पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की तीनों ही एप्लीकेशन है, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए वर्क करती हैं, और सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड से आपको लोन प्रोवाइड करा सकती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक जरूर कीजिएगा। ट्रू बैलेंस की बात करूँ तो वहाँ पर लेवल अप लोन से सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड से लोन प्राप्त होता है। नाबी से बात करूँ तो वहाँ पर कैश लोन से बहुत ही आसानी से आपको लोन प्राप्त हो सकता है। बाकी पॉकेटली भी बहुत ही आसानी से वर्क करती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सेंसर लेटर, अबाउट दिस ऐप का सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, चाहे आप ट्रू बैलेंस या नाबी से किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर रहे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।